और मोहित दोनों सगे भाई थे। मयंक बड़ा भाई था, मोहित छोटा। उनके पिता वीरेंद्र प्रकाश ने कभी भी अपने बेटों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया था। दोनों बेटों को अपनी पसंद के अनुसार कॉलेज, स्कूल और सब्जेक्ट चुनने की पूरी आजादी दी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद वीरेंद्र प्रकाश ने दोनों बच्चों को उनकी पसंद का करियर चुनने का भी पूरा अधिकार दिया। सुनिए जी, आजकल आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, अब आप कुछ दिन आराम करिए। बहुत मेहनत की है बरसों से आपने, मयंक को कहकर अब थोड़ा काम उसको सिखाइए और धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी भी उसी को सौंप दीजिए। कैसे बात करती हो भाग्यवान, अगर मैं व्यापारी हूँ तो ये कोई जरूरी तो नहीं ना कि मेरा बेटा भी आकर गल्ला ही संभाले। मयंक और मोहित आज के जमाने के बच्चे हैं, मैंने उन्हें ये सोचकर कभी बड़ा नहीं किया कि समय आने पर ये दुकान गल्ला उनको सौंप कर मैं आराम करूंगा, बल्कि मैंने तो जीवन भर कड़ी मेहनत ये सोचकर की है कि मैं चाहे जो भी काम करता रहूं, लेकिन मेरे बेटों के सामने कभी ऐसी स्थिति ना आए कि उन्हें मजबूरी में मेरा काम चुनना पड़े। मैं तो उन्हें इस काबिल बनाना चाहता हूं कि वो दुनिया में बड़े से बड़ा मकाम हासिल कर सके। ना तो मैं मयंक पर कोई दबाव बनाऊंगा और ना ही तुम मुझसे ऐसा कुछ कहोगी। अरे बच्चों को अपना करियर अपने हिसाब से चुनने दो, काम वही करना चाहिए जिसमें इंसान को खुशी मिले। मजबूरी में किया हुआ काम एक समय के बाद गले की हड्डी बन जाता है। अरे लेकिन आपका इतना बड़ा व्यापार है, उसे संभालने में भी बुराई क्या है, और फिर बेटे आपकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अरे भाग्यवान, मैं बेटों को अपना बिजनेस देने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो अपनी इच्छा से मेरा काम संभाले। सिर्फ इसलिए नहीं कि पिता की तबीयत खराब है तो मजबूरी में बेटों को मेरा काम करना पड़े। धीरे धीरे समय बीत रहा था और वीरेंद्र के दोनों बेटे अब अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अच्छी कंपनियों में नौकरी करने लगे थे। कुछ सालों बाद, देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी हमेशा से यही कहते थे कि मैं बेटों को जबरदस्ती अपने काम के साथ नहीं जोड़ना चाहता, उन्हें पूरी आजादी है कि वो अपना करियर खुद चुने। लेकिन बेटा, तुम्हारे पिताजी की अब उम्र हो रही है, इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। अब इतनी भाग दौड़ करने की उनकी उम्र तो रही नहीं। तुम नौकरी करो, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर बाबूजी का हिसाब किताब भी देख लिया करो। वैसे भी कल को तुम ही दोनों को ये सब संभालना है, वो अपने मुंह से कहेंगे भी नहीं, लेकिन तुम तो समझ सकते हो ना। अरे आप ऐसी बातें मत किया करो माँ, ये व्यापार पापा का है और इसे पापा ही संभालेंगे, ऐसे नेगेटिव बातें क्यों करते हो आप। ठीक है, जहाँ तक पापा की मदद करने की बात है तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। कल से मैं शाम के समय कुछ देर पापा के साथ शॉप पर बैठ जाया करूंगा। माँ के कहने पर मयंक और मोहित बारी बारी से थोड़ा समय पिता के व्यापार को भी देने लगते हैं। कुछ समय के बाद, मोहित मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी छोड़कर पापा के साथ उनका बिजनेस से ज्वाइन कर लेना चाहिए। वैसे भी नौकरी में मेरा कुछ खास मन नहीं लग रहा है, उससे तो अच्छा है कि मैं अपना खानदानी बिजनेस ही आगे बढ़ाऊं। और वैसे भी पापा की सेहत को लेकर माँ काफी परेशान रहती है। मैं भी काफी समय से यही कहना चाहता था भैया कि मैं भी नौकरी छोड़कर पापा के साथ ही बिजनेस ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ। एक एक करके दोनों बेटे नौकरी छोड़कर पिता के साथ ही व्यापार में हाथ बटाने लगते हैं। आओ बेटा, दोनों बैठो, महीने का नफा नुकसान समझ लो। तुम्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि एक महीने में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, आखिर मेहनत तो तुम दोनों की भी है। अरे पापा, ये बही खाता ना आप ही संभालो, ये पैसे रुपये इन झंझटों में हमें मत फंसाओ। और वैसे भी अभी हमें कहाँ ज्यादा काम आता है, हम तो बस आपकी मदद कर रहे हैं, घर की तो बात है, इसमें क्या हिसाब किताब रखना। पिता वीरेंद्र दोनों बेटों को बारी बारी से हिसाब किताब करने के लिए कहते हैं, लेकिन दोनों ही मना कर देते हैं। अरे पापा, अब घर के बिजनेस में भी हम लोग आपसे नफे नुकसान का हिसाब लेंगे क्या। बेटा कहीं बाहर नौकरी करते तब भी तो महीने की सैलरी तुम्हें मिलती थी, उसी तरह दुकान के प्रॉफिट में तुम दोनों अपना अपना हिस्सा ले लो। पिता वीरेंद्र प्रताप अपनी तरफ से दोनों बेटों को हिसाब किताब बताने की, समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मयंक और मोहित दोनों को ही रुपया पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसी तरह से बिजनेस में काम करते हुए कई सालों का वक्त बीत जाता है और फिर मयंक और मोहित की शादी का समय आ जाता है। मयंक की शादी मोहिनी नाम की लड़की से होती है और मोहित की शादी माधुरी से। शादी के बाद, अरे ये क्या बात हुई, आप दोनों भाई और बाबूजी एक ही कुएं को भरने में लगे हो। और अगर कल को कुएं का बंटवारा होगा तो कैसे पता चलेगा किसने कितना पानी डाला था उस कुएं में। तो क्या बात कर रही हो, कुआं पानी, कौन सा कुआं बंटने वाला है यहाँ पर, जो कहना है साफ साफ कहो। अरे बड़े बेवकूफ हो तुम, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि इस तरह से सांझे की कमाई से घर नहीं चला करते।
तुम दुकान पर बैठते हो, इतना काम करते हो, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलता है? कभी देखा बही खाता उठाकर कि मोहित भैया एक ही महीने में गल्ले से कितना पैसा निकाल रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि कल को जब हमें पैसों की जरूरत पड़े तो गल्ले में पैसे ही ना दिखाई दे। थोड़े तेज बनो और अपने हक की बात करना सीखो। अब महीने भर की मेहनत के बाद जो भी कमाई होती है वो तो आप दोनों भाइयों को आधी आधी बटनी चाहिए। लेकिन आप तो ऐसे गंवार बने रहते हो कि कभी पैसों के लिए घर में बात ही नहीं करते। अरे हमारी शादी हो गई है, हमारी अपनी भी कुछ जरूरतें हो सकती है या नहीं? छोटी बहू अपने पति मोहित से कहती है, देख लेना आप ऐसे ही भैया भक्त बने रह जाओगी और आपके भैया ना कुछ दिनों में सारा माल लेकर फुर्र हो जाएगी यहाँ से। अरे कैसी बात कर रही हो, कहाँ जा रहे हो भैया? अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ, आपकी भाभी फोन पर कोई प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रही थी। अब आप बस ये सोचो कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाखों रुपए उनके पास आए कहाँ से? अरे कहाँ से आएंगे, इसी दुकान से तो आए। तुम तो कभी भी देखते ही नहीं हो कि कितना पैसा आया कितना गया। देख लेना सब कुछ निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से और तुम ना ऐसे ही रह जाओगे। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो अपने भविष्य के बारे में ना सोचे। भैया भाभी अपनी जगह है लेकिन कल को जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो सोचा है उनके खर्चे कैसे पूरे करोगे? दुकान में तो महीने भर तुम भी काम करते हो ना, तो अपना हिस्सा क्यों नहीं लेते बाबूजी से? तुमने पता नहीं कुछ देखा है या नहीं लेकिन मुझे तो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। अरे मैंने देखा है, तुम्हारे अम्मा बाबूजी भी बड़े भैया के भक्त बने घूमते। अगर अपना हिस्सा तुमने मांगा नहीं ना तो सब कुछ बड़े भैया के हाथ में सौंप कर एक दिन तुम्हारे अम्मा बाबूजी भगवान को प्यारे हो जाएंगे और फिर हम घर छोड़ कर सड़क पर। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। अगर चाहते हो ना कि आपके बच्चों के सर पर छत बनी रहे तो थोड़ा अकल से काम लेना शुरू कर दो। पत्नियों के बार बार समझाने पर धीरे धीरे दोनों भाइयों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि यदि उन्होंने सूझबूझ नहीं दिखाई तो सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और बिजनेस दूसरा भाई लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। माँ पापा से कह देना इस महीने से जो भी आमदनी होगी उसको दो हिस्सों में बांट दिया करें। हमारे अपने भी कुछ खर्च होते हैं, उनके लिए मैं बार बार पापा के आगे हाथ फैलाऊं मुझे अच्छा नहीं लगता। जो भी आमदनी होती है वो सिर्फ हम दोनों के कारण तो होती नहीं, बाबूजी भी तो पूरी मेहनत कर रहे हैं ना, तो कायदे से दो नहीं तीन हिस्से होने चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतने सालों से सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था, कभी तुम दोनों भाइयों के बीच में कोई मन मुटाव भी नहीं हुआ, फिर अचानक आज ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसी बातें करने लगे? अगर कोई समस्या है तो बताओ बेटा। कोई समस्या नहीं है माँ, लेकिन कल को समस्या बताकर तो आएगी नहीं। अब मेरी भी फैमिली है, मेरी जेब में भी कुछ पैसे होने जरूरी है या नहीं? अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए मैं आपके आगे हाथ फैलाता रहूं मुझे ठीक नहीं लगता। बेटे की बात सुनकर दमयंती अपने पति के पास जाती है। सुनिए जी, जिस बात का मुझे डर था आखिरकार वही हुआ। मयंक और मोहित अब अपना अपना सोचने लगे हैं, उनके मन में अपने और पराये का भाव पैदा हो चुका है। अरे भाग्यवान क्या हुआ, साफ साफ बताओ, कुछ हुआ है क्या? मोहित आया था आज मेरे पास, कह रहा था दुकान के गल्ले से हर महीने उसे उसका हिस्सा चाहिए और ये भी कहा कि अपनी जरूरत के लिए बात बात पर हाथ फैलाना उसे अच्छा नहीं लगता। बात तो उसकी ठीक ही है, उसमें गलत भी क्या है? ठीक है, मैं दोनों को उनका हिस्सा दे दिया करूंगा, बल्कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम दोनों अपना हिस्सा ले लिया करो, लेकिन तब तक दोनों की छोरू नहीं आई थी इसलिए रुपयों का मोह नहीं था, और जब तक छोरू नहीं आती तब तक जमीन और जर की कीमत समझ में नहीं आती। बीवी के आने के बाद ही एहसास होता है कि जिंदगी में रिश्तों से भी ज्यादा जरूरी पैसा है, और उसके बाद ही भाई भाई के बीच में मनमुटाव होने लगता है। यह तो सदा की चली आई रीत है दमयंती, इसके लिए अपने मन पर बोझ मत रखो, आदिकाल से ऐसा ही होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। भाई भाई कभी एक छत के नीचे बंद कर नहीं रहे, शादी होने के बाद अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना घर ही सब कुछ हो जाता है, और भाई पराया। झगड़े को ज्यादा तूल ना मिले इसलिए वीरेंद्र ने जल्दी ही दुकान से होने वाली आमदनी के हिस्से करने शुरू कर दिए थे, लेकिन ये मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बीते होंगे कि दोनों बहुएं आपस में बहस करने लगी। अरे 10 घंटा दुकान पर बिताते हैं मयंक, तब जाकर ये ठाट बाट और मजे नसीब होते हैं। जो आज तुम मुड़ा रही हो ना, खाली चप्पल चप्पल जुबान चलाने से कुछ नहीं होता। अरे तो आपके पति अकेले चला रहे हैं क्या दुकान? बोलिए मत भाभी, पापा का पूरा बिजनेस दोनों भाई मिलकर चला रहे हैं, भैया कोई अकेले एहसान नहीं करे दुकान पर जाकर। अरे तो तुम्हारा पति दुकान पर आता ही कहाँ है,
हफ्ते में 3 दिन तो तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना होता है, महीने में 2 बार तुम अपने मायके जाती हो, हर 4th दिन तुम्हें बाहर से खाना खाना होता है। तुम्हारे नखरों से फुर्सत मिलेगी तभी तो बेचारा काम पर ध्यान लगाएगा ना। अरे तो अब आप हमारे खाने पीने घूमने हर चीज पर नजर गड़ा कर बैठेंगी क्या? और आपको क्या लगता है बाहर जाने से पहले आपकी परमिशन लेकर जाऊंगी? मेरा पति मुझे घुमा फिरा रहा है, उसपे आपको किस बात की चलन हो रही है? आप भी कहो ना अपने पति से कि आपको घुमाने ले जाया करे, उन्हें तो आपके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तभी तो बेचारे पूरा पूरा दिन बाहर ही बिता कर आते। तुम ना अपने हद से बाहर निकल रही हो छोटी। अरे हजार बार कहा मैंने मयंक से कि अलग घर ले लो, पता नहीं कब तक इन लोगों की शक्ल देख देख कर मुझे गुजारा करना पड़ेगा। अभी तक तो सिर्फ मुफ्त का खा रहे थे, अब तो जुबान भी लड़ाने लगे। तो ले लो ना अलग घर, किसने रोका है? मैं कौन सा आप लोगों की शक्ल देखने के लिए मरी जा रही हूँ? मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी शक्ल देखने का। मैं भी मोहित जी से बात करती हूँ कि इस मकान में दीवार खिंचवा दे, मुझे आपके साथ अब एक छत के नीचे हरगिज नहीं रहना। दोनों बहू के बीच धीरे धीरे विवाद बढ़ता जा रहा था। अब तो हर 3rd-4th दिन घर में महाभारत हो जाती और फिर दोनों ही बहुएं अलग अलग घर लेने की बात पर अड़ जाती। एक दिन पिता वीरेंद्र दोनों बेटों को बुलाकर बंटवारा करने का विचार करते हैं। देखो बेटा, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गाँव जाना चाहता था, क्योंकि अब व्यापार करने जितनी ताकत तो मेरे अंदर बची नहीं, और वैसे भी जीवन भर बहुत दौड़ भाग की है, अब कुछ समय शांति से बिताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजा ताकि तुम बड़े होकर कोई बड़े अफसर बनो, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने अपनी इच्छा से मेरा बिजनेस ज्वाइन किया। कुछ समय तो सब कुछ बहुत अच्छे से चला, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम दोनों भाई एक साथ मिलकर यह बिजनेस चला नहीं पाओगे। तुम दोनों के मतभेद इतने बड़े हो गए हैं कि अब इसका असर बिजनेस और मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। ठीक है, तुम दोनों एक छत के नीचे नहीं रहना चाहते तो ना सही, मैं अपना मकान व्यापार सब कुछ 2 हिस्सों में बांटकर तुम दोनों को दे देता हूँ। तुम दोनों अपना अपना अलग काम करो ताकि कम से कम झगड़े की नौबत तो ना आने पाए। अरे अगर आप आधा आधा बच्चों को दे देंगे तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? चिंता मत करो, हम लोग गाँव चल रहे, वैसे भी मैं अब कुछ समय गाँव में सुकून से बिताना चाहता हूँ। काफी समय से ये बात कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। लेकिन पापा गांव में आप रहेंगे कहाँ? जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको कभी भी गांव जाना पसंद नहीं था। उसकी चिंता तुम मत करो बेटा, मैंने तुम लोगों को कभी बताया नहीं, लेकिन गांव में मेरे पास हमारा एक पुश्तैनी घर है, मैं और दमयंती उसी में अपना गुजारा कर लेंगे। शहर का बिजनेस मकान सब कुछ मैं तुम दोनों को दे देता हूँ। जमीन और रुपया हाथ में आता देख दोनों भाई खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। माधुरी और मोहिनी भी आज बहुत खुश थे। एक सप्ताह के अंदर ही दमयंती और वीरेंद्र शहर का अपना घर छोड़कर गांव के लिए निकल जाते हैं। 1 साल के बाद माँ बाबूजी तो जब से यहाँ से गए हैं एक बार भी लौट कर नहीं आए, फोन करो तो जल्दी फोन भी नहीं उठाते। चलिए ना एक बार चलकर माँ बाबूजी से मिलकर आते हैं। पत्नी की बात सुनकर मयंक माँ बाबूजी से मिलने के लिए गांव की ओर निकल जाता है। उधर जब छोटे भाई मोहित को पता लगता है कि बड़ा भाई माँ बाबूजी से मिलने के लिए गांव जा रहा है तो वो भी अपनी पत्नी को लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव पहुंचने के बाद, अरे भैया ये वीरेंद्र प्रकाश जी किधर रहते हैं? अरे भैया वही शहरी बाबू जो बड़ी वाली हवेली में रहते हैं, उन्हीं को पूछ रहे हो ना? हाँ है तो शहर वाले ही, लेकिन हवेली नहीं, वो तो किसी पुश्तैनी पुराने मकान में रहता है। जी साहब हम समझ गए, आप उन्हीं वीरेंद्र बाबू की बात कर रहे हैं ना, चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। गांव वाला उनके साथ चलता है और उन्हें वीरेंद्र के घर के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। पिता वीरेंद्र का पुश्तैनी मकान देखकर मयंक और मोहित की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई थी। वीरेंद्र का ये पुश्तैनी मकान कोई 2 कमरे का टूटा फूटा घर नहीं था बल्कि एक भव्य हवेली थी। पापा आपके पास गांव में इतनी बड़ी हवेली थी और आपने हमें कभी बताया भी नहीं, ओ माय गॉड। बेटा मेहनत से अपना नाम बनाने और अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वर्षों पहले मेरे पिताजी ने मुझे इस हवेली से दूर कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि जर और जमीन के लालच में मैं मेहनत करना भूल जाऊं। जब मेहनत से शहर में मैंने अपना मकाम हासिल कर लिया तो फिर कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। जो मेरे पिता ने मेरे लिए चाहा वही मैंने तुम्हारे लिए चाहा, बस इसीलिए मैंने भी तुम दोनों को इस हवेली के बारे में नहीं बताया ताकि तुम मेहनत से जीवन में आगे बढ़ो। अरे पापा आपको बताना चाहिए था ना इस हवेली के बारे में, कम से कम 5-7 करोड़ की तो है ये हवेली, अरे लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। नहीं बेटा तुम दोनों की लाइफ सेट हो चुकी है, जो कुछ भी मैंने कमाया सब तुम दोनों को सौंप कर मैं गांव आ गया,
मन में बहुत इच्छा थी कि समाज के लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन परिवार के जिम्मेदारियों में कभी ये सब हो ही नहीं पाया। अब मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अपने इस पुश्तैनी हवेली को मैं वृद्धाश्रम में कन्वर्ट करूंगा, जहाँ पर वो बूढ़े माँ बाप सुकून की जिंदगी जी सकेंगे, जिन्हें उनके अपने बच्चों ने जर छोरू और जमीन के लालच में त्याग दिया हो। मेरा ये घर अब दर्जनों बुजुर्गों का अपना घर बनेगा। पिता की बात सुनकर दोनों बेटे ठगे से खड़े रह गए थे। करोड़ों की संपत्ति हाथ से जाती देख दोनों भाई पिता के सामने बहुत नाक रगड़ते हैं, लेकिन वीरेंद्र अब मन बना चुका था, इसलिए उसके निर्णय में कोई अंतर नहीं आता। जर झोरू और जमीन के चक्कर में आज वो दोनों माता पिता के आशीर्वाद और अपनी पुश्तैनी हवेली से बहुत दूर हो गए थे।